हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा है यस बैंक, उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी में आज गिरावट रही, 11,856 80 पॉइंट नीचे की तरफ है। बीएससी सेंसेक्स 40,239 के आसपास है और 247 पॉइंट नीचे की तरफ है। अब निफ्टी बैंक देखिए 31,160 के आसपास बंद हुआ है और 156 पॉइंट नीचे की तरफ है। तो बात बताने की कोशिश थी पिछले वीडियोस में आप लोगों को कि हो सकता है कि जिस तरह से गिरावट रही है फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में, तो हो सकता है कि 31,000 को भी ब्रेक करे आने वाले समय में, तो उसी के हिसाब से फिर निफ्टी भी ट्रेड कर सकता है। बट जो बजट की बातें होने लग गई हैं तो उसके लिए एक करेक्शन हो रहा है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर जो लंबे समय के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो छूट गए हैं, अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। और आने वाले जो बजट है उसमें हो सकता है कि फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। कुछ बातें देखिए, मार्केट में करेक्शन होते रहता है, बट जो थोड़ा सा समय देने की कोशिश करते हैं शेयर्स को, तो उन शेयरों में अगर गिरावट रहती है तो खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। बट जो ट्रेडर स्टॉक हैं, जैसे बहुत सारे आप लोगों को बताते रहते हैं, जो ट्रेडर स्टॉक हैं दिन में लगभग 4% ऊपर, 4% नीचे, 10%, तो उसमें से यस बैंक पिछले कुछ महीनों से, पिछले इसकी हिस्ट्री रही है, और लगभग देखिए आज ये 10% गिरावट में है और बोर्ड मीटिंग से पहले। तो उसमें से जैसे अरविंद सिंह ब्रिज का पहले से दिक्कत चल रही थी और वो न्यूज़ में आ गया था, या सूत्रों के हवाले से कहिए तो पहले ही न्यूज़ में आ गया था। और राकेश झुनझुनवाला, आप लोगों को जब ये इन्वेस्टमेंट 67 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तब बताने की कोशिश थी कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सारे नए जो मार्केट में आना चाहते हैं तो उनका नाम लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग कि 67 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम भी करेंगे, हमारा पैसा कहाँ जाएगा। बट देखिए उनका सिस्टम अलग है, वो स्टॉक को काफ़ी लंबे समय के लिए रखते हैं और जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से 5 से 7%, हद से ज़्यादा 10%, उससे ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब 67 में उन्होंने लिया है, 50 रुपीज़ भी आ गया है, बट जिन्होंने 66 और 65 पे लिया है तो 50 रुपीज़ भी उनको बड़ा पेनफुल हो रहा होगा। तो इसी का डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यस बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे पूरे वीडियोस में। और आपको हर प्लेटफॉर्म में यस बैंक की बात होती रहती है, तो इसका जो आउटकम आया है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जो बोर्ड मीटिंग रही है इनकी, तो सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आज 10 दिसंबर को जो इनकी बोर्ड मीटिंग थी, द बोर्ड इज विलिंग टू फेवरेबल कंसिडर द ऑफर लगभग 500 मिलियन डॉलर साइटेक्स होल्डिंग एंड साइटेक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप एंड द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट टू फॉलो इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। यानी मीन्स माथा पच्ची जो है बैंक के में भी चल रही है और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होने की संभावना है और अप्रूवल होगा रेगुलेटरी का भी। अब जैसे अरविंद सिंह ब्रिज और अरविंद सिंह ब्रिज के बारे में जिस तरह से न्यूज़ आ रही हैं कि वो भारतीय मूल के जरूर हैं, देखिए, और उनके ऊपर काफ़ी केसेस, तो आरबीआई उनको जो है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको समझाने की कोशिश, अगर कोई सरकारी नौकरी लगती है तो उसका पहले छानबीन होती है, पुलिस घर तक जाती है, तो उसके बाद ही उसको सरकारी नौकरी देने की कोशिश की जाती है। बट ज़्यादातर गवर्नमेंट उसको पहले देखती है कि किस तरह का इसका रिकॉर्ड रहा है, उसके बाद नौकरी मिलती है। उसी तरह से अरविंद सिंह ब्रिज का भी रहा है और इसमें रणित गिल एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि थोड़ा सा बैंक का मैनेजमेंट ने जो लटका के रखा है, हो सकता है कि जो इन्होंने पहले वो उसका नाम जो दिया नहीं था, तो हो सकता है कि उसके वजह से न दिया हो, लेकिन उनका नाम बाद में आया तो फिर डिस्कशन सारा कुछ हो गया, क्योंकि ये भी जानने की ज़रूरत है। और तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि बैंक का मैनेजमेंट थोड़ा सा गच्चा खा गया, तो ये एक वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा सा आप ये देखिए कि अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको
इस तरह से मान के चलिए कि ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो काफी अच्छा रिटर्न दे जाएगा, और अगर नीचे की तरफ रहता है तो फिर थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है, तो ये एक मान के चलिए। बट फंड राइजिंग की बात काफी दिनों से ये चल रही है और इस बोर्ड मीटिंग में अब ये कंसिडर लगभग $500 मिलियन का है साइटेक्स इन्वेस्टमेंट एंड साइटेक्स होल्डिंग के। और इसमें देखिए द जो अरविंद सिंह ब्रिज का है उसमें कहा है कि 1.2 बिलियन सबमिटेड बाय अरविंद सिंह ब्रिज एस पी जी बी होल्डिंग कंटिन्यू टू बी अंडर डिस्कशन। अभी डिस्कशन के ऊपर है भाई, अगर पिछले आपका लेटर में देखा होगा कि अप्रूवल हो जाएगा 10 दिसंबर को, अब ये डिस्कशन में, क्योंकि ये पहले ही मीडिया में आ गया था और सारे हम देख रहे थे कि अरविंद सिंह ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, तो उसके वजह से अब यस बैंक को भी सोचना पड़ रहा है कि आरबीआई अप्रूवल देगा नहीं देगा, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा इनके ऊपर दिक्कतें हैं और रिकॉर्ड छाना जाएगा कि ये इन्वेस्टर सही हैं या नहीं है। अब इन्होंने ये कहा कि फंड को राइज करने के लिए और इन्वेस्टर्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और भी निवेशकों से बातचीत चल रही है। आप मान के चलिए $2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होना है, अगर जो अरविंद सिंह का अगर नहीं होता है तो और इन्वेस्टर्स और निवेशक से भी बातचीत चल रही है निवेश के लिए $2 बिलियन का। अब ये माथापच्ची है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का भी अपडेट होगा तो उसके वजह से भी फिर स्टॉक में देखिए रिएक्शन तो पहले से ही 10% की गिरावट आई है। अब इस और आगे इन्होंने कोई बोर्ड मीटिंग का कुछ दिया नहीं है और जिस तरह से पिछले लेटर में दिया था, और ये जो मीटिंग चली थी इनकी काफ़ी लंबी चली थी, 11 AM से जैसे लगभग 4:15 तक मीटिंग चली थी, तो इसमें माता बच्ची में इनके अब कंसीडर किया गया है साइटिक्स होल्डिंग की तरह कंसीडर किया गया साइटिक्स होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टमेंट को, तो अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होगा, तो इसमें तो अधर में लटका है आप मान के चलिए इस वक्त, और स्टॉक में लगभग आप ₹70 से ₹50 में इसी के कारण आ गया है। और ये अभी थोड़ा सा आप मान के चलिए कि यस बैंक के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बट स्टॉक में पहले से करेक्शन है और उम्मीद जताई है कि और कंटिन्यू ये कहा है। तो अब स्टॉक में देखिए जो रहा है वो ट्रेड में आज आपने देखा कि लगभग ये 50 रुपीज़ से नीचे की तरफ आया था, और इसमें से जितने भी जो डे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान है। जब आपने एक बार ले लिया, भले वो 60 में लिया हो, 65 में लिया हो, 55 में लिया हो, तो आपको एक बार आपने ले लिया तो उसको फिर देखते रहिए। और इस तरह का जब भी इवेंट होता है और बैंक में ख़ास तौर से जब कोई भी क्राइसिस रहती है किसी भी कंपनी में, तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करिए, उसको जो परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप स्टॉक के हिसाब से आप चलने की कोशिश करें। आज फिलहाल इसमें 10% की गिरावट रही, तो क्लोजिंग जो आई है ₹50.55 में आई है। अब इसने आज का जो लो बनाया है लगभग ₹48.55, अगर ये कल जिस तरह से आज इसमें गिरावट आई है तो मे बी जो बैंक ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि कोई दिक्कत है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, बैंक ने ये कहा है कि आगे कंसीडर किया जाएगा और नए निवेशकों के लिए बातचीत चल रही है इस तरह का है, तो अब जो सही इन्वेस्टर्स होंगे तो एक तरह से मान के चले कि अरविंद सिंह ब्रिज को एक तरह टाला जाएगा और डिस्कशन में रखा हुआ है और कंसीडर रखा हुआ है साइटिक्स होल्डिंग को, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की भी डेट आएगी तो उसके अनुसार भी स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। और इसमें जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बार बार बताने की कोशिश की जाती है कि आप जो भी ये डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं, जो मार्जिन में करते हैं, उनको इस तरह के स्टॉक में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, जाएगी तो स्टॉक भी फिर रिएक्ट कर सकता है उसी तरह से। फिलहाल मामला अभी अनिश्चितता में है, अनसर्टेनिटी है स्टॉक में, और फंड राइज की बात में भी जिस तरह से बैंक को अभी दिक्कतें पैदा हो रही हैं क्योंकि अप्रूवल भी लेना उसमें, और फिर जो ये बाहर के जो रिसर्च हाउस हैं वो पहले से अपना रिकमेंड कर देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके हिसाब से फिर मार्केट में एक डर पैदा हो जाता है और शॉर्ट्स हो जाते हैं। बट पहले से ही मार्केट को थोड़ा सा अंदेशा था कि ये गिर सकता है स्टॉक, और आज मार्केट गिर भी गई,
क्योंकि जो निफ्टी में करेक्शन आया, बैंक निफ्टी में करेक्शन आया, उसके वजह से भी फिर सब शॉर्ट सेल में लग गए। तो इसका सबसे बेटर ये है कि अगर आपने स्टॉक लिया है तो चुपचाप बैठे रहिए और साइड से दूर से देखिए कि स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या न्यूज आ रही है, आप देखते रहिए और जब स्टॉक बढ़ता है तो उसके अनुसार अपना डिसीजन भी लेते रहिए। और फिलहाल अभी ये है कि थोड़ी सी अनिश्चितता है यस बैंक में, और पिछला जो लेटर में भी दिया था कि अप्रूवल हो जाएगा 10 दिसंबर को, तो अप्रूवल में नहीं है, अब लटका है, टला है, एक तरह से अधर में है। और संभावना ये है कि अब यहाँ से यस बैंक का जो शेयर में जो अब बोर्ड मीटिंग की डेट आएगी तो उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकता है फिर ऊपर की तरफ। और ये मान के चले कि पहले से गिरावट में है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करिए, बहुत तरफ से जैसे ये न्यूज है तो पहले से गिर चुका है, जैसे 60 रुपये से 50 रुपये में आ गया है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से अगर हो सकता है कि अगर नीचे खुले तो ये ऊपर की तरफ जाने की भी कोशिश करेगा। तो ये एक आप लोगों को व्यू बताने की कोशिश है कि इस तरह से पहले से मार्केट में न्यूज है कि अरविंद सिंह ब्रिज का टाला जा सकता है, तो वही हुआ है। और आज का जो मीटिंग का कोई रिजल्ट निकला नहीं, एक तरह से मीटिंग का जो रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए छोड़ दिया गया है, तो नेक्स्ट मीटिंग की डेट आएगी उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपने ले रखा है तो चुपचाप आप बैठे रहिए और जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा या कोई अच्छी न्यूज आएगी तभी ये स्टॉक, तब अपना फिर देखिए डिसीजन किस तरह से इसमें रहने की कोशिश। फिलहाल जो भी इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।